हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये 8th पार्ट है हमारा इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का। सारा प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, वो चाहे जूलॉजी सेक्शन की हो या बॉटनी सेक्शन की हो, हमारी प्लेलिस्ट पर आपको सारा मटेरियल, आपको TGT PGT इसके अलावा PCS में जिन दोस्तों ने हमारे बायोलॉजी विषय में जूलॉजी या बॉटनी चूज़ किया उनके लिए भी प्रॉपर मटेरियल उपलब्ध है। इसके अलावा आप जब चलेंगे तो आपको हायर एजुकेशन में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ अगर आप जूलॉजी और बॉटनी से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पूरा मटेरियल उपलब्ध होगा चैप्टर वाइज। और आपके चैप्टर के साथ साथ जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी मटेरियल उपलब्ध है, आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट है तो शुरू करते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ मित्रों ने पूछा है क्या यूपी में बीएड जरूरी है पीजीटी के लिए, तो बिल्कुल पीजीटी के लिए यूपी में बीएड जरूरी नहीं है। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रैफिड्स आर फॉर्म्ड ऑफ, रैफिड्स किसके बने होते हैं? तो रैफिड्स जो बने होते हैं वो बने होते हैं किसके बने होते हैं? वो कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, रैफिड्स कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। अवशिष्ट पदार्थों के रूप में खनिज क्रिस्टल मिलते हैं जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट। ये ऑक्सलेट के क्रिस्टल ये पिथुआ कॉर्टेक्स में छड़ के आकार के यानी रॉड शेप्ड, पिरामिडल या रोमोबिडल अथवा निडिल लाइक होते हैं। पतले क्रिस्टल को रेफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है, रेफाइट्स इडियोब्लास्ट में मिलते हैं, घास, गेहूं, इक्विसिटम आदि में पत्ती की सतह पर सिलिका के क्रिस्टल मिलते हैं। फाइकस में पत्ती की बाह्य त्वचा पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल समूह मिलते हैं। अंगूर में ये सिस्टोलिथ में मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ जो आपका काफ़ी मटेरियल है या काफ़ी क्वेश्चन अगर घुमाकर पूछता है तो वो सारे के सारे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया इज, भारत में कितने जीव मंडल संरक्षित क्षेत्र हैं? तो अभी देखिए 18 हैं। कितने? 18। मगर ये जब 2011 में पूछा गया था तब की बात करते हैं तो उस हिसाब से चूंकि 18 हैं, भारत में कुल 18 जीव मंडल संरक्षित पाए जाते हैं। दिए गए विकल्प में 18 संख्या ना होने के कारण यहाँ हम कितना लगा दिए हैं, 17। चूंकि जब हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था तो क्या करें। अच्छा, ये जीव मंडल हैं कौन कौन? नीलगिरी हैं और नंदा देवी हैं, नोकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मन्नार की खाड़ी है, मानस है, सुंदरवन है, सिमलीपाल है, डिब्रू सैखोवा है, देहांग देबांग है, पंचमढ़ी है, अगस्था मलाई है और खंगन डेजाग जिसे कंचनजंघा बोलते हैं, अचान कमार अमरकंटक जिसे बोलते हैं, कच्छ, सीत मरुस्थल, सेसचलम और पन्ना मध्य प्रदेश में। तो ये हमारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ध्यान रखिएगा। 18 संख्या है तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। विच ऑफ दीज इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, इनमें किसे बंगाल का डर कहा जाता है? इकोर्निया, ये क्वेश्चन LT ग्रेड में आया है, इकोर्निया। और देखते हैं, लैंटेना कैलोट्रोपिस, तो इकोर्निया को बंगाल का डर कहते हैं। इकोर्निया सामान्यतः पानी जलकुंभी के रूप में जाना जाता है। यह जली पौधा अमेजन बेसिन का मूल निवासी, कभी कभी पूछ सकते हैं कहाँ का मूल निवासी है, तो अमेजन बेसिन का मूल निवासी है और अक्सर अपने मूल सीमा से बाहर एक बेहद समस्याग्रस्त आक्रामक प्रजाति माना जाता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है PGT बायोलॉजी 2011 में, इसके अलावा LT ग्रेड में भी पूछा गया क्वेश्चन है। विच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है? तो आप समझ लीजिएगा, एनर्जी का जो पिरामिड होता है वो कभी उल्टा नहीं होता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, अर्थात पारिस्थितिकी में ऊर्जा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। जीव संख्या पिरामिड सीधे तथा उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो जीव संख्या वाला पिरामिड है ये उल्टे सीधे दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जीव भार पिरामिड भी सीधे एवं उल्टे दोनों प्रकार के होते हैं, संख्या और ये दोनों उल्टे सीधे, एनर्जी का हरदम सीधा होगा, इसमें आप चेंज कर ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लांट बींग ईटन बाय ए हार्बीवोरस विच इन
टर्न इज ईटन बाय ए कार्निवोरस में एक पौधे को खाने वाले शाकाहारी तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं। फिर सुनिएगा, ए प्लांट बीइंग ईटन बाय ए हार्वी वोर विच इन टर्न इज ईटन बाय ए कार्निवोरस में एक पौधों को खाने वाले शाकाहारी, ठीक है, तथा इसे खाने वाले मांसाहारी निम्न श्रृंखला बनाते हैं। तो ये क्या बनाएंगे? तो ये बनाएंगे फूड चेन। क्या बनाएंगे? फूड चेन। पौधों को खाने वाले शाकाहारी तथा उसे खाने वाले मांसाहारी फूड चेन बनाते हैं। प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता अपघटनकर्ता। अपघटनकर्ता में तो आप सब जानते हैं डिकम्पोजर में कौन आते हैं? फंगस और बैक्टीरिया मिलकर एक खास श्रृंखला का निर्माण करते हैं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे का भक्षण करते हैं और भोज्य के रूप में संबंधित रहते हैं। इसी किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र की खास श्रृंखला को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। तो ये आपको दिखाया गया है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो कैसे प्रदर्शित किया जाता है? पिरामिड, ऊर्जा के पिरामिड द्वारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है ऊर्जा के पिरामिड द्वारा, बायोमास के पिरामिड द्वारा, संख्याओं के पिरामिडों द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों के बीच में संबंध को प्रदर्शित एक आरेख द्वारा करते हैं, जिसे पिरामिड कहते हैं। इन संबंधों को ऊर्जा के पिरामिड, बायोमास के पिरामिड, संख्याओं के पिरामिड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड की संकल्पना दी थी। तो ये अभी आप याद रखिएगा कि पिरामिड की जो कल्पना या पिरामिड का जो प्रादुर्भाव किया था वो चार्ल्स एल्टन ने किया था। तो इसमें ऑप्शन सभी रहेगा। द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन क्रिया के अध्ययन को कहते हैं। तो आप सब जानते हैं जीवों और पर्यावरण के मध्य अन्योन जो क्रिया होती है उसे इकोलॉजी कहते हैं। जीवों एवं पर्यावरण में अन्योन क्रिया के अध्ययन को हम इकोलॉजी कहते हैं। सर्वप्रथम अर्नस्ट हेकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओइकोलॉजी के रूप में किया था। ध्यान रखिएगा, पारिस्थितिकी के अंतर्गत जीवधारी पौधे एवं जंतुओं के वास स्थानों या उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, ट्रेसिंग इज ए इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉयल कंजर्वेशन इज वेदिकाकरण। वेदिकाकरण का मतलब समझते हो, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों की तरह करण मृदा संरक्षण की एक प्रभावी क्रियाविधि है। तो ये वेदिकाकरण कहाँ बनाया जाता है बताइएगा? तो ये हिली एरिया में बनाया जाता है सीढ़ियों की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलामिन एंड स्पंजी टिश्यूज आर प्रेजेंट इन। तो वेलामिन एवं स्पंजी ऊतक पाए जाते हैं। तो आप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये एपिफाइट मूल में देखने को हमें मिलते हैं। तो ऑप्शन इसका 80 सही, वेलामिन एपिफाइट मूल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वेन स्टेम इज मॉडिफाइड इंटू ग्रीन लीफी, यही वाला था ना, हाँ, वेन स्टेम इज मॉडिफाइड इंटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर इज इट इज नोन एज तना। जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित होता है तो उसे कहते हैं, जब हरित पर्णी तना में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे फिल्लोक्लेट बोलते हैं, पणाभस्तंभ बोलते हैं, फिल्लोक्लेट। तना जब हरित पर्णी संरचना में परिवर्तित होता है तो उसे हम फिल्लोक्लेट कहते हैं। अधिकांश पौधों में तना प्रायः छोटा काष्ठी शुष्क कठोर तथा मोटा छाल में ढका होता है। कुछ पौधों में तना घटकर बल्ब के रूप ले लेता है। कभी कभी तना चौड़ा मांसल हो जाता है और पत्तियों का कार्य करता है, जिसे पर्ण स्तंभ या पर्णकाय स्तंभ या फिल्लोक्लेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैबिटाट दैट इज ए परफेक्ट बैलेंस विथ द स्पीसीज ऑक्यूपाई इट इज कॉल्ड। ऐसा आवास जो इसमें रहने वाले जातियों के साथ यथावत संतुलन में है कहलाता है, बताएगा? ऐसा आवास जो इनमें रहने वाले जातियों के साथ यथावत संतुलन में है कहलाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं निकेत। ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ यथा
यथावत संतुलन में रहता है, निकेत कहलाता है। पारिस्थितिकी निकेत या निक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीनेल्स ने किया था, तो आप ये पॉइंट नोट कर लेंगे कि किसने किया था, ग्रीनेल्स ने किया था। ध्यान रखिएगा, किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में जीव जंतुओं और वनस्पतियों की अनेक जातियां और उपजातियां निवास करती हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी जाति अथवा उपजातियां पारिस्थितिक क्षेत्र में कहीं भी निवास कर सकती हैं। वास्तव में प्रत्येक जाति अथवा उपजाति का उस क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है, उसी क्षेत्र की सीमा में निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं। यह सुरक्षित क्षेत्र निक कहलाता है। ओडम के अनुसार जो निक या निकेत एक सूक्ष्म निवास है जिसमें एक ही प्रकार के जाति अथवा उपजाति निवास कर, जैसे हम लोग गांव में निवास करते हैं। अब ये नहीं कि हम खेतों में, तो हम लोग खेतों में क्यों नहीं निवास करते हैं? डर होता है कि कहीं कोई चोर ना आ जाए, या कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, या कहीं कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट ना पड़ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, समूह में वो एक एरिया में रहते हैं। अभी जब आप कहीं मकान बनवाते हैं तो देखते हैं वहाँ लोग रह रहे हैं कि नहीं, तभी बनवाते हैं ना, तो वही निकेत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिक अध्ययन है, तो क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल या ऑटो इकोलॉजिकल या सिनोकोलॉजिकल, तो क्या कहलाता है आप हमें बताएंगे। तो इसका आंसर आप हमें देंगे आप कमेंट्स करके, और इसके आगे का वीडियो फिर उपलब्ध कराएंगे। काफी समय बाद आपके साथ मुखातिब हुए हैं। चलिए इसी के साथ नमस्कार।